नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर कर की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। उधर भारतीय शेयर बाजार में लगातार ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गुरुवार को भी सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। गुरुवार दोपहर सेंसेक्स 59,000 का आंकड़ा पार कर गया। उधर सरकार की ओर से राहत पैकेज के ऐलान के बाद आज ऑटो और टेलीकॉम शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली। बता दें, सुबह बीएससी सेंसेक्स 158 अंकों की तेजी के साथ 58,881.04 पर खुला। वहीं कारोबार के अंत में सेंसेक्स 417.96 अंकों की उछाल के साथ अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई 59,141 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी आज 110 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर 17,629 पर बंद हुई। भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी यानी INPA ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को भर्ती के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के जरिए INPA फ्लिपकार्ट के भर्ती मानकों के अनुसार प्रासंगिक पदों के लिए पूर्व सैनिकों के समूह की पहचान करेगा। इसके बदले फ्लिपकार्ट इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए सक्षम करेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को उनकी सेवा अवधि के दौरान प्राप्त योग्यता, अनुभव और विशेषताओं के अनुरूप अवसर प्रदान कराना होगा। उधर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 3 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए 4 लोगों को रवाना कर दिया है। पहली बार किसी प्राइवेट रॉकेट से ऐसे लोग अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं जो पेशे से अंतरिक्ष यात्री नहीं है। 4 यात्रियों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। इस तरह से एलन मस्क ने आम लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा के दरवाजे खोल दिए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है। हालांकि अगले साल वृद्धि में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप और निजी खपत पर खाद्य मुद्रा स्फीति के नकारात्मक असर के चलते देश में पुनरुद्धार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। वहीं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 2020 में 3.5% की गिरावट के बाद उम्मीद जताई है कि इस साल वैश्विक उत्पादन में 5.3% की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2020 में 7% का संकुचन झेला और 2021 में इसके 7.2% तक के बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी ने दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री ने ऑटो और ड्रोन उद्योग से जुड़े मंत्रिमंडल के एक और फैसले को लेकर कहा कि सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ने हुए मंत्रिमंडल ने वाहन उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए PLI यानी उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र को वैश्विक रुझानों के साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाएगा। बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में सांविधिक बकाया से भुगतान से 4 साल की मोहलत, दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करने की मंजूरी, सकल समायोजित राजस्व की परिभाषा में बदलाव और स्वतः मंजूर मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी शामिल है। इसमें AGR के आधार पर ही कंपनियों को शुल्क का भुगतान करना होता है। दरअसल इन राहत उपायों का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत प्रदान करना है। उधर असम सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब असम सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायर होने के दिन से ही पेंशन की रकम मिलने लगेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में रिटायर होने वाले स्टाफ को अब आसानी से पेंशन मिल सकेगा। अब असम सरकार की नौकरी से रिटायर होने वाले स्टाफ को पेंशन शुरू कराने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। असम का पेंशन निदेशालय को इस बारे में बता दिया गया है। पेंशन के लंबित केस जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार अब ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि सरकार स्टाफ को रिटायर होने के दिन से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। वहीं मोदी सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। SCL के इस स्टेक सेल में शुरुआत में 5% हिस्सेदारी बिक्री की योजना है, जबकि बाकी 5% हिस्सा ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में ग्रीन शू ऑप्शन के लिए रखा गया है। इसकी जानकारी निवेश लोक संपत्ति विभाग यानी दीपम ने दी है। बता दें, केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SCL में इस 10% हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 1120 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। उधर भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सरकार को वित्तीय बोलियां मिली हैं। इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। बोली लगाने वालों में टाटा सन्स का भी नाम शामिल है।
दूसरी ओर स्पाइस जेट की तरफ से भी बोली लगाई गई है। इसका प्रोसेस जनवरी से शुरू होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण देरी हुई। वहीं टाटा सन्स के प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने एयरलाइन के लिए बोली सौंपी है। जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया की जिम्मेदारी आ सकती है, इसके लिए ग्रुप की ओर से अपनी कोर कमेटी को लगाया गया है। बता दें पहले किसी समय में इस कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था, जिसका मालिकाना हक टाटा के पास ही हुआ करता था। उधर भारतीय बाजार में गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। नई कीमतों के मुताबिक लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये और डीजल के दाम 88.62 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। बता दें इससे पहले सितंबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो बार बदलाव देखने को मिला था। सरकारी तेल कंपनी ने 1 सितंबर और 5 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।